पिछली क्लासेस में हमने टेली प्राइम के अंतर्गत वाउच एंट्री की थी और समझा था इन्वेंटरी कंसेप्ट को। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की जो वाउच एंट्रीज हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर अगली वाउच एंट्री हमारी कहती है, परचेज द फॉलोइंग आइटम इन केस फ्रॉम रजिस्टर्ड शॉप। 18% जीएसटी की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए, जो हमारा क्रेडिट की वाउचर एंट्री है उसमें जो सन्डरी क्रेडिटर है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन जब हम केस लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें रजिस्टर्ड पर्सन का जिक्र करना होगा कि हमने जो माल खरीदा है वो रजिस्टर्ड शॉप से खरीदा है। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वाउचर में चलते हैं। सबसे पहले हम कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर हमारी। ठीक है, पहले की एंट्री देखने के लिए जो आपने किया उसके लिए डिस्प्ले के अंतर्गत, अकाउंट बुक के अंतर्गत परचेस यानी डीएपी, और यहाँ पर हमने देखा पिछली एंट्री के अंतर्गत 2,40,888 रुपये का ये बिल हमारा था। अब हम करते हैं, वाउचर में जाएंगे, परचेज के अंतर्गत पार्टी सेलेक्ट करेंगे केस, लेकिन केस करते समय ध्यान रखिएगा पार्टी डिटेल में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अनरजिस्टर्ड की जगह रजिस्टर रेगुलर। ठीक है, यदि पार्टी डिटेल नहीं आती है और यहाँ पर जो भी जीएसटी नंबर होगा वो आप डाल दीजिएगा, और यदि ये विंडो नहीं आती है तो यहीं पर रहते हुए F12 प्रेस करिएगा, और F12 के अंतर्गत प्रोवाइड सप्लाई डिटेल इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। इस ऑप्शन को यस करने पर पार्टी डिटेल आपसे मांगेगा, अदरवाइज पार्टी डिटेल नहीं लेगा ये। ये ऑप्शन आपको सप्लाई डिटेल यस करना है। इसके बाद जो पार्टी डिटेल विंडो आएगी, इस पार्टी डिटेल विंडो में आपको रेगुलर करना है, और हो सके तो जीएसटी नंबर भी आप डाल दीजिएगा। हमने डमी नंबर नोट्स में दे रखे हैं, वो हम यहाँ पर डाल करके चलेंगे। इसके बाद परचेस में आ जाएगा परचेस जीएसटी, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे आइटम। तो आइटम कौन कौन से हैं इसके लिए जो है आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, यदि नोट्स आपके पास है तो बहुत अच्छा है। इसमें एक और नया कंसेप्ट दिया है, वो है सेपरेट डिस्काउंट। डिस्काउंट है इसमें लेकिन आइटम के ऊपर ही डिस्काउंट है, तो इसको हमें रिकॉर्ड करना है। चलिए, यूपीएस इंटैक्स हमने लिया, तो यहाँ पर आइटम क्रिएट करेंगे हम अल्ट सी से, यूपीएस इंटैक्स। यूपीएस का अंडर ग्रुप होगा यूपीएस, वो हम सेलेक्ट करेंगे। शुड क्वांटिटी बी एडेड, इस ऑप्शन को यस करेंगे, और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल में आप एचएसएन कोड यूपीएस का डाल के चलिएगा, 8504-4090। स्पेसिफाइड डिटेल है टैक्सेबल, 18% कर रहा है। ठीक है, पीस में इसको काउंट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी है हमारी एक पीस इंटैक्स, अब इसके ऊपर सेपरेट डिस्काउंट है 2%। तो यहाँ पर सेपरेट डिस्काउंट निकालने के लिए आपको इनेबल करना होगा डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस। ठीक है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए आप F11 की प्रेस करिएगा, और यहाँ पर यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा F11 प्रेस करने के बाद, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेपरेट डिस्काउंट कॉलम आ गया, इनवॉइस में डिस्काउंट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, 2% डिस्काउंट है, सॉरी पहले रेट हमें डालना है यहाँ पर। इसका रेट है 1600 रुपये, 2% डिस्काउंट है। डिस्काउंट में हम 2%, यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है क्योंकि पर्टिकुलरली ये टेली ने इसको डिस्काउंट करके दिया ही है। जो कॉमन डिस्काउंट होता है, कॉमन लेजर हमने जो बनाया है उसमें हमें बताना होता है कि इसे माइनस करना है, जबकि ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया ही डिस्काउंट का ऑप्शन है,
इसलिए आपको यहाँ पर डिस्काउंट माइनस नहीं करना है। ठीक है, अगला आइटम हमारा कहता है यूपीएस लुमिनियस, तो हम बनाएंगे यूपीएस लुमिनियस। ये भी अंडर ग्रुप यूपीएस के आएगा और पीस कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी इसका 2 पीस है और रेट है 1400 रुपये। इसके ऊपर डिस्काउंट है 4%, वो हम डालेंगे। अगला आइटम है हमारा यूपीएस माइक्रोटेक, यूपीएस माइक्रोटेक अंडर ग्रुप जाएगा यूपीएस, पीस कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी है माइक्रोटेक 2 पीस और रेट है 1800 रुपये और इसके ऊपर डिस्काउंट है 3%। इसके बाद है पेन ड्राइव स्कैन डिस्क, पेन ड्राइव का ग्रुप पेन ड्राइव बनेगा, अल्ट सी से बनाएंगे पेन ड्राइव। शुड क्वांटिटी बी एडेड यस, और फ्लेक्सिबल वैल्यू हम डाल के चलेंगे 18%। एचएसएन कोड भी आप डाल दीजिएगा, एचएसएन कोड आइटम में चलिएगा डाल करके, ताकि जीएसटी रिपोर्ट के अंतर्गत एरर्स नहीं आए। भले ही सभी आइटम का कोई भी ऐसा कोड डाल दीजिएगा, डिफरेंट टैक्स पर अलग कोड आएगा। एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी है ये 5 पीस, रेट है 450, इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है। बिल है 11,798 रुपये। ठीक है, इसके ऊपर हम लगाएंगे जीएसटी। जीएसटी में हमने लिया है सीजीएसटी एंड एससीएसटी, 11,797.64 रुपये। अब हमने एक तो यहाँ पर देखा सेपरेट डिस्काउंट, ठीक है, इसी के साथ एक और नया कंसेप्ट है, जो 64 पैसे हैं इसको हमें करना है राउंड ऑफ। तो यहाँ पर एक इनवॉइस राउंडिंग का लेजर बना लीजिएगा, अल्ट सी से क्रिएट करेंगे हम राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, और इसको आप हमेशा ऐसे ही बनाएं, प्लस अब्लिक माइनस, दिखने में ठीक ठाक लगे। और इसको ले लेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, अभी तक हम इस ऑप्शन को छोड़ दिया करते, टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इनवॉइस राउंडिंग। इनवॉइस राउंडिंग में क्या होगा कि ये यदि 50 पैसे से कम होगा तो छोड़ देगा, और उससे ऊपर होगा तो ऐड कर देगा। यानी 97 को इसने 98 कर दिया, 11,798 रुपये एड कर दिया गया है, और ये बिल हमारा हमारे बिल बुक से मैच कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर टेबिरा का -36 राउंड ऑफ, ठीक है, -36 राउंड ऑफ, ठीक है, उसमें माइनस ने डैश लगा के राउंड ऑफ दिया था। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारी एंट्री पास हो गई। अगली एंट्री कहती है हमारी परचेज द फॉलोइंग फ्रॉम कंप्यूटर हाउस विथ 2% डिस्काउंट ऑन परचेज एंड डिलीवरी चार्जेस 750। कंप्यूटर हाउस से माल परचेज किया गया है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, पार्टी में आ जाएगा कंप्यूटर हाउस। अल्ट सी से लेजर बनाइएगा कंप्यूटर हाउस। ये है हमारा सन्ड्री क्रिएटर, ठीक है, मध्य प्रदेश ही है। जीएसटी नंबर में सभी का भले ही एक ही नंबर आप डाल करके चलिएगा, हम डमी नंबर डाल रहे हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, परचेस में आ जाएगा परचेस। कंप्यूटर हाउस से हमने माल लिया लैपटॉप एसर 47 अल्ट सी से, क्रिएट करेंगे हम आइटम लैपटॉप एसर 4720Z, अंडर ग्रुप आ जाएगा लैपटॉप। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी है 1 पीस, 38,500 का। अब देखिए यहाँ पर हमने आइटम लिया, इसके बाद आप चाहें तो यदि जीएसटी में एरर देता हो तो यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट जीएसटी के लेजर सेलेक्ट कर लीजिए।
जीएसटी, सीजीएसटी, एलजीएसटी। अब आपके साथ में ऐसा हो सकता है, देखिए जीएसटी नहीं निकलने के कारण ये हो सकता है कि एक तो आपने ये डेट गलत डाली हो, दूसरा फाइनेंशियल ईयर भी गलत डाला हो, ये डेट सही डाला हो। तो आप फाइनेंशियल ईयर को चेक कर लीजिए, F11 प्रेस करिए और वहाँ पर पहले तो कंपनी की डेट देख लीजिए, इसके बाद फाइनेंशियल ईयर देखने के लिए अल्ट प्लस F2 होता है, इससे फाइनेंशियल ईयर सही हो कर लेना है आपको। ठीक है, एक जीएसटी को आपने इनेबल किया है कि नहीं किया, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो जीएसटी निकल जाएगा, एरर ही नहीं आएगा। अब पहले आइटम पे आ गया, लेकिन दूसरा आइटम यदि किसी आइटम पे नहीं निकल रहा है तो आप जीएसटी उसके ऊपर चेक करिए कि आपने उस पर जीएसटी लागू किया है या नहीं किया। अगला है आइटम हमारा लैपटॉप एचपी केडी, जैसा नोट्स में दे रखा है वैसा ही आप टाइप करिएगा, लैपटॉप एचपी केडी। ठीक है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपने ओनली लैपटॉप एचपी लिया, केडी कीवर्ड नहीं लिखा, लेकिन सेल में आपने केडी डिफाइन कर दिया, तो वो एक नया आइटम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अंडर ग्रुप भी हम सही सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे इसको। क्वांटिटी है हमारी 1 पीस, रेट है 45,000, ये जीएसटी का ऐड हो गया। अगला है हमारा लैपटॉप आईबीएम, लैपटॉप आईबीएम ये थिंक पैड है, चलो इसको हम देखेंगे आगे, इसमें करेक्शन है हल्का सा माइनर, आगे हम इसको संशोधन कर लेंगे यदि इसमें कहीं एरर आता तो, शायद एक एंट्री में इशू है। ए आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए, और आईबीएम का लैपटॉप 1 पीस 27,000 का ये आइटम है, ऐड कर देंगे। अब भी जीएसटी ऐड हुआ, मतलब जीएसटी निकाल लिया इसका। अगला है लैपटॉप असूस, अब जो आइटम पहले से बना हो उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी ये नहीं बना है, ये सब बनाना पड़ रहा है। लैपटॉप असूस, ये देखिए ऑलरेडी बता रहा है, ये थोड़ा सा हमें देख लेना चाहिए था, लैपटॉप असूस पहले से 1 पीस है, एक और अब हम खरीद रहे हैं, लैपटॉप असूस 2 खरीद रहे हैं, और रेट है इसका 38,500, जिस रेट में पहले पिछली बार हमने परचेस किया है उसी में हमने इसको अब परचेस किया है। लैपटॉप HP 11 जनरेशन, ये भी हमारे पास पहले से है तो हम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। 11 जनरेशन, क्वांटिटी है 2 पीस, रेट है 41, अब हमने 41,000 में खरीदा। इसके बाद लैपटॉप HCL का है, HCL बना है क्या? नहीं बना है, नहीं बना है तो बनाना है। लैपटॉप HCL अंडर ग्रुप आएगा लैपटॉप, इस कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे। HCL की क्वांटिटी है 2 और रेट है 31,500, तो हम डालेंगे 31,500। ठीक है, इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, रेट बिल हमारा 3,86,000, सॉरी डिस्काउंट हो सकता है इसमें, इसमें वैल्यू दे रखिए। हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्काउंट की बात की गई है क्या। हाँ, 2% डिस्काउंट उसमें कहा गया है, तो हम डिस्काउंट ले लेते हैं, यहीं पर डिस्काउंट हमने बनाया था, चूँकि -2% देन SGST एंड CGST, डिलीवरी चार्ज भी हो सकता है तो हम लगा देंगे। डिलीवरी चार्ज इसमें 750 रुपये हैं, इसके ऊपर 18% GST है। यहाँ पर हम ले लेंगे डिलीवरी चार्ज 750 रुपये, CGST और SGST 3,86,585, बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ गया है, वैल्यू 3,86,585, बिल वैल्यू हमारी आ गई है। इस प्रकार हमारी 4 एंट्री यहाँ पर पास हो गई। तो आज के इसमें हमने समझा तो सेपरेट डिस्काउंट और एक राउंड ऑफ इनवॉइस राउंडिंग, ठीक है, ये दो नए कंसेप्ट हैं। हमारी हर क्लासेस में हम वाउच एंट्री भी करेंगे, बैलेंस शीट को भी देखेंगे, ITS को भी देखेंगे, इनपुट को भी देखेंगे, आउटपुट GST कैसे लगाते हैं वो भी हम कंसेप्ट, लेकिन सब कंसेप्ट के लिए आपको 1 बाय 1 क्लास को पूरा वॉच करना है। और यदि अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है
499 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, बहुत कम चार्ज है नॉमिनल। साथ ही साथ 350 रुपये के हमारे नोट्स हैं। नोट्स की यदि हम बात करें तो पूरा टेली कंसेप्ट इसके अंतर्गत है, और इस नोट्स का यदि वैल्यूएशन मार्केट में देखा जाए तो 1000 रुपये के समथिंग है, जो मात्र आपको मिलते हैं 350 रुपये में, वो भी आपके घर पर, यानी डिलीवरी चार्ज सहित अभी तक का है। आगे आने वाले समय में कोई चार्जेस में संशोधन होगा तो वो चार्जेस पे लागू होगा, क्योंकि आज का जो रेट है पेज का, बंडल का, वो आज से आने वाले 5 साल बाद नहीं दे सकेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वीडियोस क्लास जो बनी है वो आज के रेट में बनी है, और इसके बाद कोई करेक्शन, कुछ चेंजेस होता है तो वो सब लागू होंगे उस समय। आज के डेट तक आपको इसी रेट में ये मिल रहे हैं, और कंप्लीट टेली प्राइम के नोट्स हैं जो लगभग अधिकतर मामले में हिंदी में है, ये एक सबसे बड़ी विशेषता है, और इस प्रकार से बने हुए हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप इसी नोट्स के बेसिस पर टेली सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको यदि टेली की आवश्यकता है, कहीं डाउट है, तो आप वीडियो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आप देख पा रहे हैं एक ही चीज़ को हम क्लियर करके चल रहे हैं। इस बेसिस पर ही आप करेंगे तो अभी तक जितने भी सब्सक्रिप्शन हमारे यूज़र हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन हैं, कभी किसी का कॉल नहीं आया है। फिर भी यदि आपको कहीं कोई डाउट रहेगा तो आप ऑनलाइन हमसे जुड़ करके समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो हम आपको एनी डेस्क के माध्यम से या किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। संभावना है तो मान के चलिए कि 99% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो हम आपका सपोर्ट भी करेंगे, इसमें कोई दोराई नहीं है। तो आप टेली प्राइम सीख सकते हैं घर बैठे ओनली 499। इसमें आज ही ज्वाइन करें शुभम अकेडमी, डाउनलोड करें मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से शुभम अकेडमी, फर्स्ट पे ही आएगा शुभम अकेडमी, आप टाइप करेंगे तो प्ले स्टोर पर, वहां से डाउनलोड करके आप हमारे सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं।